न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी हमारी जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए चलिए धन बाजार की खबर भी लें। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 344 अंक चढ़कर 62,846 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 99 अंकों का उछाल रहा, ये 18,598 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली। सोना 110 रुपए फिसल कर 59,965 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। हालांकि चांदी की कीमत में उछाल रही। चांदी 290 रुपए चढ़कर 73,040 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। यानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 59,965 रुपए और 1 किलो चांदी की कीमत 73,040 रुपए हुई। सीबीआई ने ब्रिटिश मल्टीनेशनल एयरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी रोल्स रॉयस पीएलसी और उसके अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। कंपनी पर 24 हॉक और 115 एडवांस्ड जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप है। रोल्स रॉयस के अधिकारियों के अलावा इस मामले में भारत के अन्य अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। सीबीआई इन लोगों से जल्द नोटिस जारी कर पूछताछ कर सकती है। 2003 में 66 हॉक 115 एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी मिली थी। 3.31 लाख करोड़ डॉलर के वैल्यूएशन के साथ भारत फिर से दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट बन गया है। इस साल की शुरुआत से भारतीय इक्विटी मार्केट के मार्केट कैप में 330 अरब डॉलर की बढ़त हुई है। इस लिस्ट में यूएस 44.54 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ टॉप पर है। इसके बाद चीन दूसरे स्थान पर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरबीआई के 2000 के नोटों को चलन से वापस लेने से जुड़ी जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में बिना किसी पहचान प्रमाण के 2000 के नोट बदलने की अनुमति को चुनौती दी गई थी। याचिका बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी।